दशम श्रेणी ज्यामिति वृत्तर स्पर्शक ओस्त एमसीक्यू 2024 गोटे वन पार्ट जाइला एक दस एम जाइए एगार टू स्टार्ट कर। ओके देख वृत्तर जो चित्र दे वृत्तर व्यासार्ध पांच सेमी वृत्तर व्यासार्ध अंकन करद पांच सेमी बर्तन देख ओ ओ ए पी ओ ए आर ना ओ ए आर बुझेगा देख एगार नंबर क्वेश्चन देख व्यासार्ध है पांच सेमी उच्चता है तीन सेमी एट उच्चता देन सेमी ताले ए आर के हम चार एटा समकोणी त्रिभुज ये चार ए आर चार चार दुई छपी होगा के छे उच्चता के बाहर कर ओपी ओपी के ओपी इजिकल ओकी अच्छे ओपी इजिकल टू ओकी बुझेगा ओपी इजिकल टू ओकी ओपी इजिकल टू ओकी है समकोण यटा है कर्ण है चार दुई छर स्क्वायर प्लस तीन स्क्वायर रूट ओवर तीन स्क्वायर रूट ओवर छः स्क्वायर छत्तीस तीन स्क्वायर नौ रूट ओवर छत्तीस नौ पैंचाश छत्तीस नौ के पैंचाश छत्तीस नौ है पैंचाश पैंचाश कार रूट ओवर है नौ पंचा पैंचाश नौ पंचा पैंचाश नौ गुण नौ पाँच रूट ओवर नौ रूप थ्री रूट फाइव है प्रश्न है प्रश्न सी कौन दे बाहर करने को क्यूटी के थ्री रूट फाइव है ये थ्री रूट फाइव पी क्यू थ्री रूट फाइट ये भी थ्री रूट फाइव है ये भी थ्री बास ये भी तीन सेमी है व्यासार्ध ये तीन सेमी पाँच है थ्री थ्री रूट फाइव है यहाँ जो थ्री है यहाँ जी चार दी छाटा के भी छोड़ बुझेगा ना बुझ ये छोड़ ये तीन अच्छी ये व्यासार्ध पाँच ये भी कैसे चार हो चार छि दस डी क्यू डी क्यू इजिकल टू चार प्लस छ इजिकल टू दस सेंटीमीटर क्यूटी के दस सेंटीमीटर बुझेगा ओपी सामने ओक्यू अच्छे ओपी सामने ओक्यू अच्छे है ओक्यू कौटा ओक्यू यहाँ दस पाँच थ्री ये छठ चार छः चार दस ऑप्शन कौट अच्छे देख दस नंबर एगार नंबर एगार नंबर ऑप्शन को डी द राइट आंसर डी द राइट आंसर लिख नंबर ट्वेल्व दत्त चित्र रे ए ओ बी रो मान के ए ओ बी रो मान के देख मन कर ए सी बी के आम षाठी डिग्री नबा के डिग्री षाठी डिग्री नबा षाठी हेले वृत्तांतरक्षित विपरीत कोण परस्पर परिपूरक ए कोणटी केत शहे कोड़े ए कोण हम शहे कोड़े ए कोणटी केत शहे कोड़े यहाँ परिदृष्ट कोण केन्द्रस्थ कोण तार दिगुण शहे कोण दुई चालीस एक कोणटा दुई चालीस ताले ए ओ बी कोणटा केमती लिखा देख तीन सौ षाठी ये लगे दुईश चालीस ताले तीन सौ षाठी फिर दुई चालीस केहे कोड़े ताले ए ओ बी इजिकल टू लिखा तीन सौ षाठी आर मूल्यटा के शहे कोड़े है शहे कोड़े हेले तीन सौ षाठी आर मूल्य के दुई चालीस दुई चालीस लिखा तीन सौ षाठी फिर आने दुई गुण ए सी बी ए सी बी ए सी बी ए सी बी बुझेगा ना बुझेगा षाठी शहे कोड़े दुई चालीस कैसे दुई चालीस टाइम लिखिपर तीन सौ षाठी माइनस दुई गुणन षाठी दुई गुणन षाठी दुई गुणन षाठी तो कैसे ए सी बी कौन ये दुई गुणन षाठी लेख दुई गुणन षाठी तीन सौ षाठी दुई चालीस लिखा दुई कोणटा है शहे कोड़े डिग्री शहे कोड़े शहे कोड़ेटा केमती लिखा तीन सौ षाठी अनुसार तीन षाठी फेड़ाण दुई गुणन षाठी दुई गुणन षाठी इजिकल टू के दुई दुई चालीस है दुई चालीस बास ए दुई चालीस टाक आम एमती लिखिपर दुई चालीस तीन षाठी फेड़ाण दुई गुणन षाठी है कहीं लिखले यहाँ थीटा नहीं कोणटा ये कोणटा मूल कोण करेणुक लिखे दुई चालीस तीन षाठी फेड़ाण दुई गुणन षाठी षाठी दुण शहे कोड़े तीन षाठी फेड़ाण शहे कोड़े जो दुई चालीस ताल ए भी है तीन सौ षाठी माइनस टू षाठी हजार के लिखे ए सी बी टू ए सी बी टू ए सी बी उत्तर यहाँ हाँ तीन षाठी माइनस टू ए सी बी बार नंबर अप्सन दे सी कारण आम अप्सन अनुसार उत्तरटा लिखा बुझिपारे ना बुझिपारे से दुई चालीस टाइम केमी लिखा
उत्तर हम यहाँ ए बजे तीन षाठ माइनस टू आसवे सीधा राइट आंसर। नंबर 13 दत्त चित्र रे ए एक्स बी कोण केते ए एक्स बी कोण केते देख केन्द्र ओ अंकन कर ओ ए ओ बी तो ये कोणटा केते हबो 180 फेराणा 42 138 ए ओ बी 138 परिधिस्थ कोण अंकन कर परिधिस्थ कोणटा कोण हबो केन्द्रस्थ कोणर अधा 138 हरण 2 69 क्लियर ए बी सी ए सी बी एक्स वृत्तांत लिखित चतुर्भुज वृत्तांत लिखित चतुर्भुज विपरीत कोण परस्पर परिपूरक ताले 69 एरिया केते 180 फेराणा 69 180 फेराणा 69 इक्वल टू 111 डिग्री ए एक्स बी हम 111 डिग्री बुझेला 42 138 दुटा के मिसिक 180 ए कोण हम आर अधा 69 एक कोण मिसिक 180 एटा हम 180 फेराणा 69 इक्वल टू 111 डिग्री क्लियर। नंबर 14 दुईट बहिस्पर्शी वृत्तक व्यासार्ध होगा 8 सेमी 4 सेमी हेले साधारण स्पर्शकर दैर्घ्य केते पी क्यू डायरेक्ट पहले सूत्र पकई दे 1 मार्क क्वेश्चन 2 रूट ओवर आर वन आर टू इजिकल टू 2 8 गुणन 4 8 चौक 32 केते 8 चौक 32 32 हेला 16 दुगुणे 32 16 वर्ग गुण 4 4 गुणे 8 8 रूट 2 आंसर हे 8 रूट 2 ऑप्शन अच्छी कौटे ऑप्शन डी द राइट आंसर यहाँ सब सहज सूत्रटा खुश डायरेक्ट पकईदेव कारण तुम समाधान कर बाहर कला तीन चार मिनट पड़े निश्चित भाव बुझे तो डायरेक्ट फर्मुलाटा घोषित तो पी सर साधारण स्पर्शक स्तर 2 R1 × R2 बास सीधा डायरेक्ट पकईद सहजे हो। नेक्स्ट नंबर 15 दुईट अणछेदी वृत्त दुईट अणछेदी वृत्तर केन्द्र मध्य दूरता है 22 सेंटीमीटर व्यासार्ध है 8 ए सान वृत्तर व्यासार्ध है 6 से कह साधारण स्पर्शक पिक्यू के पिक्यू के पिक्यू सूत्र डायरेक्ट सूत्र पकईद डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर रूट ओवर एट सीधा डायरेक्ट सूत्रटा पकईद सहज सब वन मार्क क्वेश्चन गोटे मिनट भितर सल्व भी हो डी मैंने डिस्टास्टा डी है डिस्टास् ए डिस्टास् है स्त्रोटा तो डी के 22 स्क्वायर माइनस 8 माइनस 6 स्क्वायर रूट ओवर 22 स्क्वायर के 484 8 6 गले के 2 दूर स्क्वायर 4 484 2 गले के 480 480 वर्ग मूल 480 16 × 30 16 वर्गमूल के 4 √30 हम है 480 भांगीद जो कौटे संख्यार गोटे पूर्णवर्ग संख्यार नहीं कि भांगीद कौन तेल 16 × 30 तो 16 वर्ग गुण 4 √30 4 √30 15 नंबर ऑप्शन देख कौटे अच्छे ए द राइट आंसर ए द राइट आंसर तेल पी क्यूर दूरता है के 4 √30 सेंटीमीटर बुझेगा ये सब सहज हम ये सूत्रटा घोषित दे सूत्र डायरेक्ट पकईद डी स्क्वायर माइनस आर होल स्क्वायर रूट ओवर। नंबर 16 दुईट अणछेदी वृत्त दुईट अणछेदी वृत्तर केन्द्र मध्य दूरता है कि 22 बड़ वृत्तर व्यास दे 8 सान वृत्तर व्यास दे 6 से कहे ये तिर्जक स्पर्शक पिक्र दूरता केजक स्पर्शक सूत्र है डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर स्क्वायर रूट ओवर है डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर डी के 22 स्क्वायर माइनस 8 6 के 14 स्क्वायर एट 8 एट 6 14 स्क्वायर रूट ओवर 22 स्क्वायर के 484 14 स्क्वायर के 14 स्क्वायर 196 रूट ओवर इजिकल टू 14 6 गले 8 14 6 गले 8 एक पड़ा 7 17 9 गले 8 एक पड़े 3 एक गले 288 क्लियर 288 हो 144 गुणन 2 रूट ओवर 144 12
ତାହେଲେ ବାର ରୁଟ୍ ଟୁ ଶହେ ଅଠାଇଶ ହେଲା ଶହେ ଚଉରାଳିଶ ଗୁଣନ ଶହେ କାର ବର୍ଗମୂଳ ବାର ବାର ରୁଟ୍ ଆନ୍ସର ବାର ରୁଟ୍ ଷୋହଳ ନମ୍ବର ଷୋହଳ ନମ୍ବର ଅପସନ୍ କେଉଁଠି ଅଛି ବି ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ତ୍ରିଜକ ସ୍ପର୍ଶକ ସୂତ୍ର ଡି ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଆର୍ ପ୍ଲସ୍ ଆର୍ ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଡି ହେଲା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରେ ଦୂରତାକୁ ଡି ବୋଲି ଧରାଯାଇଛି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ନମ୍ବର ସେଭେନଟିନ୍ ସେ ଦୁଇଟି ବହିର୍ଭୂତ ହେଲା ଦୁଇଟି ସ୍ପର୍ଶ ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତ ବୃତ୍ତର ସେ କହୁଛି ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ଏଇଟା ହେଲା ତ୍ରିଜକ ସ୍ପର୍ଶକ କେଉଁଟାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅଧିକ ଦୁଇଟାକ ସମାନ କେଉଁଟା ସାନ କେଉଁଟା ବଡ଼ ବାସ୍ ବୁଝିହେଲା ତ ଚିତ୍ର ଦେଖ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟା ବୃତ୍ତର ପି କ୍ୟୁ ହେଲା କ'ଣ ଟି ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ପି କ୍ୟୁ ଏଇଟା ହେଲା ଡି ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ଟି ଡି ଏଇଟା ହେଲା ଡି ଏଇଟା ହେଲା ଆର୍ ଏଇଟା ଆର୍ ତାହେଲେ ପି କ୍ୟୁର ଦୂରତାଟା ଆମେ ବାହାର କରୁଥିଲେ କେମିତି ଡି ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଆର୍ ମାଇନସ୍ ଆର୍ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଉପର ଏକ୍ସ ୱାଇ ଦେଖ ଏକ୍ସ ୱାଇ ହେଲା ତ୍ରିଜକ ସ୍ପର୍ଶ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଏଇଠୁ ଏତିକି ଦୂରତା ଚିତ୍ର ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏକ୍ସ ୱାଇ ସାନ ରହିବ ପି କ୍ୟୁ ବଡ଼ ରହିବ ତାହେଲେ ତା ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ କେମିତି ଦେବ ଦେଖ ଏ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଇଯିବ ଏଠି ଏ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଇଯିବ ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇ ଦୂରତାଟା ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ଡି ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଏକ୍ସ ୱାଇଟା କେମିତି ବାହାରିଥିଲା ଡି ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଆର୍ ପ୍ଲସ୍ ଆର୍ର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଉପର ବୁଝିଲା ନା ବୁଝିଲାନି ତାହେଲେ ଏଇଟା କେଉଁଟା ବଡ଼ ହେବ ଏଇ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବଡ଼ ହେବ କାରଣ ଏଇଟା ମାଇନସ୍ ଅଛି ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଫେଟିଦେଲେ ଏଇଟା ତାହେଲେ ତେଣୁକରି ଏଇଠି କ'ଣ ହେବ ଯେ ସାଧାରଣ ପି କ୍ୟୁ ପି କ୍ୟୁ ଟିକେ ବଡ଼ ହେବ ମାନେ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକଟି ବଡ଼ ହେବ କ'ଣ ହେବ ସାଧାରଣ ପି କ୍ୟୁ ବଡ଼ ହେବ ପି କ୍ୟୁ ଗ୍ରେଟର ଦାନ୍ ଏକ୍ସ ୱାଇ ହେବ ତାହେଲେ ପି କ୍ୟୁଟି ବଡ଼ ହେବ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକଟି ବଡ଼ ହେବ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଉତ୍ତର ଆଇଟା ଠିକ୍ ହେବ ଡି ନମ୍ବରଟା ଠିକ୍ ହେବ ଆନ୍ସର ଡିଟା ଠିକ୍ ହେବ ଡିର ଅଛି କେଉଁଟା ଆଇ ଅପସନ୍ଟା ଆଇଟା କ'ଣ ଅଛି ସରଳ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ଖଣ୍ଡଟି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅଧିକା ହେଲା ଆଇର ଅଛି ସରଳ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକଟି ଅଧିକା ହେବ ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ଡିର ଅଛି ଆଇ ଉତ୍ତର ତାର ପି କ୍ୟୁଟା ବଡ଼ ହେବ ଏଠି ନମ୍ବର ଏଇଟିନ୍ ଦୁଇଟି ବହିର୍ଭୂତ ବୃତ୍ତଦ୍ୱୟର ସେ କହୁଛି ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ଆଉ ତ୍ରିଜକ ସ୍ପର୍ଶକର ବର୍ଗର ଅନ୍ତର କେତେ ବର୍ଗର ଅନ୍ତର କେତେ ପି କ୍ୟୁର ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ୱାଇର ସ୍କୋୟାର ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆସିବ ଏଇଟା ଆର୍ ୱାନ୍ ଆର୍ ଟୁ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ଆର୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆର୍ ଟୁର ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଆର୍ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ଆର୍ ଟୁର ସ୍କୋୟାର କ୍ଲିଅର୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବିର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଏ ପ୍ଲସ୍ ବିର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଏ ମାଇନସ୍ ବିର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଇଜିକଲ୍ ଟୁ କାହା ସୂତ୍ର ଫୋର୍ ଏ ବି ଫୋର୍ ଏ ବି ଏଇଟା ହବ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଏଇଟା କେଉଁଠି ଅଛି ଦେଖ ଅପସନ୍ ସି ଦ ଆନ୍ସର ଏ ପ୍ଲସ୍ ବିର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଏ ମାଇନସ୍ ବିର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଇଜିକଲ୍ ଟୁ ଫୋର୍ ଏ ବି ସିଧା ଏତିକି ହବ ଆନ୍ସର ଫୋର୍ ଏ ବି ଅପସନ୍ ସି ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ନମ୍ବର ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ଦତ୍ତ ଚିତ୍ରରେ ପିର କୋଣ ପି କୋଣର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଦତ୍ତ ଚିତ୍ରରେ ଆମ ପାଖରେ ଦେଇଛି ଏ ଏକ୍ସ ବି ଶହେ ଦଶ ଡିଗ୍ରୀ ତାହେଲେ ଆମେ ପରିଧିସ୍ଥ କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିବା ତାହେଲେ ଇଏ ଶହେ ଦଶ ହେଲେ କେତେ ହେବ ଇଏ ସତୁରି ଡିଗ୍ରୀ ହେବ କାରଣ ସି ନାଁ ଦେଇଦେବା ଏ ସି ବି ଏକ୍ସ ହେଲା ଗୋଟେ କ'ଣଟେ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜ ବିପରୀତ କୋଣ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ଶହେ ଦଶ ହେଲେ ହେଲା ସତୁରି ହେଲା ଇଏ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିବା କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣ ଏ ଯେ ସତୁରି ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ଏ ହେବ ଶହେ ଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ କାରଣ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣଟା ପରିଧିସ୍ଥ କୋଣର ଦୁଇ ଗୁଣ ସରିଲା ତାହେଲେ ଓ କୋଣ ଏ ଓ ବି କୋଣ ଆଉ ପି କୋଣ ମିଶି କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ଶହେ ଅଶୀ ଡିଗ୍ରୀ ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ଶହେ ଅଶୀ ଫେଣ ଶହେ ଚାଳିଶ ଇଜିକଲ୍ ଟୁ ଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ କାରଣ ଏଇ କୋଣ ମିଶିକି ଶହେ ଅଶୀ ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ଜାଣିଛ ଏଇଟା ତାହେଲେ ଶହେ ଅଶୀ ଫେଣ ଶହେ ଚାଳିଶ ଇଜିକଲ୍ ଟୁ ଏଇଟା କେତେ ହେବ ଚାଳିଶ ତାହେଲେ ପି ଇଜିକଲ୍ ଟୁ ଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ କ୍ଲିଅର୍ ଶହେ ଦଶ ହେଲା ସତୁରୀ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ବିପରୀତ କୋଣ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ପରିଧିସ୍ଥ କୋଣ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣ ପରିଧ କୋଣ ଦୁଇ ଗୁଣ ଶହେ ଚାଳିଶ ଏଠି ଓ କୋଣ ଏ ଓ ବି କୋଣ ପ୍ଲସ୍ ପି କୋଣ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶିକି ଶହେ ଅଶୀ ଇଏ ଶହେ ଚାଳିଶ ହେଲେ ଶହେ ଅଶୀ ଫେଣ ଶହେ ଚାଳିଶ ଇଜିକଲ୍ ଟୁ ଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ପି କୋଣ ଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଦେଖ ପିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି
वृत्तर केउ बिंदु ठार अंकित स्पर्शक द्वय अणच्छेद हे स्पर्शक द्वय अणच्छेद हे जोट बिंदु स्पर्शक अंकन कले भी छेद हो लंबा हे से चित्र हो कितु जो व्यास देखा व्यास है व्यास जदि आम ये स्पर्शक अंकन करवा पढ़ीचे अंकन में द्वितीय अनुशील अंकन पढ़ीचे जदि ये अंकन कर ये 90 डिग्री करवा अंकन में पढ़ाई है 60 120 90 90 हेल्ला स्पर्शक है 60 120 90 स्पर्शक होगा ये स्पर्शक अंकन कले स्पर्शक दुटा कौन हम समांतर हम कौन हम समांतर समांतर ना तो छेद कर दुटा बिंदु ये दुटा बिंदु स्पर्शक अंकन कर छेद कर दुटा बिंदु स्पर्श छेद कर तो ये दुटा बिंदु अच्छी जोटा कि छेद करना कौन हम समांतर हम है प्रश्न कहे अणच्छेद हम अणच्छेद हम समांतर ये हो गोटे आंसर हम एटा व्यासर प्रांत बिंदु ऑप्शन कौ थर अच्छी ऑप्शन ए रे अच्छे स्पर्शक द्वय कौटि अंकन हम व्यास द्वयर प्रांत बिंदु स्पर्शक अंकन कले अणच्छेदी हम आंसर ए द राइट आंसर उत्तर हम व्यासर प्रांत बिंदु क्लियर।